नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण। दोस्तों, आईआईटी पीएमटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं, वो किसी योद्धा से कम नहीं है। तो हम 50 योद्धाओं को तैयार करने के लिए मिशन छेड़ा है। सीएलसी हमेशा नया करती है, सीएलसी हमेशा मूल है, सीएलसी चीजें पैदा करती है, वो चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे टीम के लोग हो। मैं फैकल्टी सब काम नहीं लेता, वो शिक्षक जो योद्धा की तरह काम करते हैं, जो अभाव से नहीं जो भाव के लिए पढ़ाते हैं, ऐसे यूथ लड़के लड़कियां, बेटे बेटियां यदि इस कोचिंग इंडस्ट्री में अपने आप को योद्धा बनाना चाहते हैं, आपको लगे कि मेरा पढ़ाया बच्चा आईटी में जाए, मेडिकल में जाए, दोस्तों फिर से कह दूं, पेड सर्वेंट बन के इस भाव से आए तो यहां मत आना। आप एक शिक्षक बन के, एक रियल गुरु बन के सीएलसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हैं जैसा सैकड़ों लोगों का आज है, तो जुड़े सीएलसी के साथ। 25 अगस्त से 30 अगस्त शाम को 4 से 8 एक इंटरव्यू रखा हम लोगों ने, आए मिले जुड़े, ये श्रवण का वादा है। यदि भाव से आ गए तो आने वाले 5 साल में 4 साल में 2 साल के बाद इस इंडस्ट्री के श्रेष्ठ टीम आप होंगे, श्रेष्ठ टीचर आप होंगे, श्रेष्ठ योद्धा आप होंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, नीट और जेई में सिलेक्शन, उस बच्चे को तैयारी करवाना किसी युद्ध की कम नहीं स्ट्रेटेजी से, अपने आप स्ट्रेटेजी है जो दिल से होती है। दोस्तों, टीचर की पहली शर्त है कि दिल से पढ़ाए। टीचर एक माँ की तरह होता है, माँ अपने बच्चे की परवरिश दिमाग से नहीं करती है, दिल से करती है। जो टीचर दिल से पढ़ाते हैं, योद्धा की तरह पढ़ाते हैं, वही दोस्तों पूजनीय होते हैं, उन्हीं के बच्चे मान सम्मान करते हैं। और सीएलसी की यही खास बात है साहब, सीएलसी में योद्धा की तरह हम लोग पढ़ा रहे हैं। समय के साथ अच्छे लोग जुड़ते रहते हैं, जो लोग दिमाग से पढ़ाते हैं, जो अपने आप को पेट सीमेंट मानते हैं, वो समय के साथ अलग होते रहते हैं। और इसकी खासियत यही है कि आज सैकड़ों सैकड़ों बच्चे सीएलसी में पढ़े हुए यूपीएससी आरपीएससी फाइट करके सरकारी अच्छे ओहदों पे हैं, जिनको ऑफिसर्स कहते हैं, जो सरकार चलाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। आईआईटी और मेडिकल की दोस्तों एक बड़ी बड़ी खेप है, बड़ी खेप है। मैं जब गाँव में गया, घर घर जाके लाइव किया, तो मेरे हजारों हजारों बेटे बेटियां मिले। कोई टीचर है, कोई नर्सिंग कर रहा है, नर्सिंग के जॉब में है, आईटी और मेडिकल में दीर्घ सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी बात कर रहा हूं जो हजारों हजारों गवर्नमेंट जॉब में है। उन्होंने कहा कि सर, आप लोग जब पढ़ाते थे हमें तो लगता था हमारा गार्जियन खड़ा है बीच में। कई बार हर तरह के लोग संस्था जुड़ते रहते हैं, समय के साथ हमें उनको अलग करना होता है, अच्छे लोग जोड़ने होते हैं। इसीलिए सीएलसी में, इसीलिए 26 साल से प्रगति लगातार होती आ रही है। क्यों? कि जो सिस्टम के साथ प्रॉपर काम नहीं कर पाते, हमें उनको अलग होना पड़ता है। मैं गांव का व्यक्ति हूं, किसानी मैंने की है, खेती मैंने की है। कोई भी जब पेड़ होता है, उसकी टहनियां समय पे काटते रहो तो झाड़ भी बनता है, वो पेड़ बन जाता है। और दोस्तों, समय पे अनावश्यक टहनियां नहीं काटोगे तो झाड़ बन जाते हैं, पेड़ नहीं बनते। सीएलसी इसलिए पेड़ बना कि समय समय पे इसकी छटनी होती रही, इसकी कटिंग होती रही, अच्छे लोगों को जोड़ते रहे। जो लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, उनको बड़े प्यार से नमस्ते करके सिस्टम से बाहर किया गया। और अब और 50 लोगों की आवश्यकता है, 50 योद्धा, 50 पार्टन जुड़े सीएलसी के साथ। 25 अगस्त से 30 अगस्त शाम 4 से 8 मिले सीएलसी सीकर, और दोस्तों देश का भविष्य बनाए। केवल और केवल किताबें नहीं पढ़ानी है, स्टूडेंट को तैयार करना है कि जिंदगी में ऐसे मुकाम पे जाएं ताकि हम फक्र हो कि हमारे पढ़ाए स्टूडेंट हैं। मुझे वो लोग चाहिए, आप चाहे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एनआईटीएन हैं, आईटीएन हैं, मेडिकोज हैं, कोई भी किसी प्रकार से क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप आए। पहली क्वालिफिकेशन है दिल से काम करना, पहली क्वालिफिकेशन है योद्धा की तरह काम करना। बाकी क्वालिफिकेशन दोस्तों बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन योद्धा का स्पिरिट, दिल का भाव, मां का भाव, टीचर का भाव समकक्ष होता है, तब जाके दोस्तों हजारों हजारों बच्चे सफल होते हैं। आओ एक नई दुनिया बसाने के लिए फिर से जुड़ो सीएलसी के साथ, फिर जुड़ो श्रवण के साथ, जो पिछले 26 साल से इसी काम को वाहेगुरु के आशीर्वाद से बहुत सफलतापूर्वक कर रहा है। और दोस्तों, हकीकत देखा जाए, मैं तो मानता हूं इस कोरोना के बाद कि काम करने का मजा अब आने लगा है। तो पिछले 6 महीने मुझे फ्री मिले, मुझे अपने आप से बात करने का मौका मिला, मुझे मौका मिला एनालिसिस करने का, तो एक शानदार टीम, एक जानदार टीम तैयार की। आज मैं दावे से कहता हूं, इस समय सीएलसी में काम करने वाली टीम आज तक के 26 साल के इतिहास की सबसे प्यारी टीम है। वो चाहे टीचिंग हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नॉन टीचिंग हो, फिर सबने कहा वो 50 बच्चे और तैयार करो, 50 और योद्धा तैयार करो, ताकि हम आने वाले समय में गांव के आखिरी बच्चे तक, गांव की झोंपड़ियों बैठी खोपड़ियों को तैयार करें, उनको पहुंचाएं ब्यूरोक्रेसी पे, मेडिकोज,
आईटीएन एनआईटीएन या उनको पहुंचाएं सफलता के मुकाम तक, उनको सफल करें। इसी के लिए फिर से आपके अपने श्रवण को जरूरत है। 50 योद्धाओं की, 50 शिक्षकों की, नॉट पेड सर्वेंट, 50 शिक्षकों की जो दिल से काम करें, माँ की तरह जो माँ बच्चे को पालती है वैसे काम करें क्लास में खड़े होके। ओके 25 अगस्त से 30 अगस्त शाम को 4 से 8 सीएलसी सीकर, नो सीवी, कोई सीवी नहीं भेजना है, कोई कॉल नहीं करना है, कोई कॉल कोई फोन रिसीव नहीं करेगा, इस पे कोई फोन पे जवाब नहीं आएगा, कोई सीवी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, व्यक्तिगत आए मिले। थैंक यू। जय सीएलसी।